जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हिंदी साहित्य में। सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कमलेश्वर का संस्मरण है, इनका संस्मरण आपके लिए बताने अपनी निगाह में सप्तपर्णी, कुछ अटके कुछ भटके या परतों के बीच, बताइए। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सही राइट आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग। मनीष जी, कल्पना जी, तनु जी और लवली जी, संगीता जी, कमलेश्वर जी का संस्मरण आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर क्या होगा, सही राइट आंसर बताइए। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है, अपनी निगाह में। अपनी निगाह में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है चंद्रशेखर जी, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो शंकर शेष है साहित्य में मूल रूप से है, बताइए मूल रूप से क्या है, ये आपको चयन करना है। यहाँ पर बताइए, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, आलोचक हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर दो आपसे यहाँ पर पूछा गया है और दो का सही राइट आंसर क्या होगा। जो शंकर शेष हैं साहित्य में मूल रूप से हैं ये पूछा गया है, तो आप सभी का सही राइट आंसर, ये मूल रूप से नाटककार माने जाते हैं। मदन जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर तीन पूछा गया है। दुष्यंत कुमार का काव्य नाटक आपके लिए बताना, दुष्यंत कुमार का कौन है, कौन सा है, हम विस्पाई, जन्म के, आवाज के घेरे, एक कंठ विस्पाई या फिर दोहरी जिंदगी। तो दुष्यंत कुमार का काव्य नाटक बताना है, काव्य नाटक कौन सा है। तो चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं रामेंद्र जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, बाबा जी बिल्कुल, तो आप सभी का सही राइट आंसर है तीन में विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, एक कंठ विस्पाई, दुष्यंत कुमार जी का ये नाटक माना जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर तीन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, सभी लोगों ने विकल्प नंबर सी बताया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शैवाल सत्यार्थी का साक्षात संग्रह कौन सा है, बताइए। शैवाल सत्यार्थी का बताने, बातें मुलाकातें, मैंने इनसे पूछा, आ और बा दोनों सही या बातों बातों में। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर चार पूछा गया है और चार का सही राइट आंसर आपके लिए बताना है, शैवाल सत्यार्थी का आपके लिए साक्षात संग्रह बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, आ और बा दोनों सही, आपका ये वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर है। बातें मुलाकातें, मैंने इनसे पूछा, ये जो है साक्षात संग्रह माने जाते हैं किनके, शैवाल सत्यार्थी के, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी आपका मुस्कान जी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पांच पूछा गया है, मनोहर श्याम जोशी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह आपको यहाँ पर चयन करना है, बताइए। कौन सा वह उपन्यास है, कुरु कुरु स्वाहा या फिर क्या हमजाद या कौन हूं मैं, बताइए। मनोहर श्याम जोशी जी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और आप सभी लोग बता रहे हैं कि क्या आप यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर जो दो है बी है भाई आपका सही राइट आंसर होगा, तो विकल्प नंबर बी में सही आंसर लगा दिया है, बिल्कुल सही राइट आंसर है क्या आप सभी का सही राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इनमें से कौन सी आलोचना मुद्रा राक्षस की है, बताइए। आलोचना आपके लिए बताना है, नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, आलोचना का समाज शास्त्र या दूसरी परंपरा की खोज।
तो मुद्रा राक्षस की आलोचना बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, क्या होगा सही राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आलोचना का समाज शास्त्र, यहां पर सही राइट आंसर होगा आलोचना का समाज शास्त्र। जो आलोचना है ये मुद्रा राक्षस जी की आलोचना मानी जाती है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने रमा शर्मा जी राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। नीता कुमारी जी, क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा गया है। देखिएगा, कुबेर नाथ राय का एकमात्र काव्य संग्रह आपके लिए बताना है कौन सा है, वाणी का क्षीर सागर, मराल, कथामणि या फिर आगम का नाव। तो इनका एकमात्र काव्य संग्रह बताना है, कुबेर नाथ राय जी का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा गया है और 7 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, सभी लोग बता रहे कथामणि, यानी कि विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर है। कथामणि जो है ये एकमात्र काव्य संग्रह माना जाता है किनका, कुबेर नाथ राय जी का। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर रीमा जी सही राइट आंसर चयन किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, केदारनाथ साय का विविध भारतीय भाषाओं के काव्य का हिंदी में अनुदित काव्य कौन सा है, बताइए यहां से देखो, जमीन पक रही है, ताना बाना या फिर सृष्टि पर पहरा, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 पूछा गया है, केदारनाथ साय का विविध भारतीय भाषाओं के काव्य का हिंदी में अनुदित काव्य कौन सा है, और तन्मय जी ताना बाना आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। पूजा जी विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है ताना बाना। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 पूछा गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से आपको बताना है कौन सा कहानी संग्रह कृष्ण अग्निहोत्री का है, बताइएगा। वह कहानी संग्रह बताना है, एक और जिंदगी या फिर एक और हिंदुस्तानी, एक और अश्वत्थामा या फिर एक और कुंती, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह कृष्ण अग्निहोत्री का है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, एक और अश्वत्थामा। एक और अश्वत्थामा आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, एक और अश्वत्थामा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 10, परमानंद श्रीवास्तव को किस आलोचना रचना के लिए व्यास सम्मान मिला था, बताइए। मैं आलोचना रचना आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर, सभी लोग चयन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि यहाँ पर विकल्प नंबर 4 लगा दीजिएगा, कविता का अर्थात, कविता का अर्थात ये वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। कविता का अर्थात ये जो है परमानंद श्रीवास्तव जी की आलोचना रचना जिसके लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास यात्रा एवं उनके वहां उनके संघर्ष का बयान करने वाली गिरिराज किशोर की साहित्य कृति कौन सी है, बताइए। ढाई घर या फिर चिड़ियाघर या फिर पहला गिरमिटिया या फिर यातना घर। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा मिथिलेश जी, क्या होगा राइट आंसर, तो पहला गिरमिटिया यहाँ पर जितेंद्र जी सही राइट आंसर है। ये महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास यात्रा और वहां उनके संघर्ष का बयान करने वाली जो गिरिराज किशोर की साहित्य कृति मानी जाती है वह पहला गिरमिटिया मानी जाती है, विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर होगा।
बिल्कुल सही राइट आंसर है। इनमें से कौन सी रचना कवि गंग की है? कवि गंग की रचना आपके लिए बताना है चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग रचनावली, गंग पदावली या फिर उपर्युक्त सभी, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया यहाँ पर कि कवि गंग की रचना कौन सी है, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 12 में जो आपका यहाँ पर डी है वह आपका सही राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। उपर्युक्त सभी आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर। उपर्युक्त सभी रचनाएं कवि गंग की मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा राजीव जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दिया गया है, मनोहर श्याम जोशी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 13 में आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। विद्युती मिश्रा जी, आस्था जी, क्या होगा सही राइट आंसर? क्रू क्रू स्वाहा, क्या आप हमजाद, कौन हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर आप, ये क्वेश्चन जो है आपका डबल हो गया है, अभी आया था ये क्वेश्चन, क्या आप जो उपन्यास है इसके लिए मनोहर श्याम जोशी जी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताना है आपके लिए कि इनमें से कौन सी आलोचना मुद्रा राक्षस की है, ये भी आपका यहाँ पर डबल होगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। आलोचना आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है 14 में कि देखिए आलोचना का समाज शास्त्र जो रचना है आलोचनात्मक रचना मानी जाती है, और ए मुद्रा राक्षस जी की रचना है, विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, ये भी आपका यहाँ पर डबल होगा ये क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है, यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कहानी संग्रह कृष्णा अग्निहोत्री का है, ये आपको बताना है यहाँ पर, बताइए। प्रीतिपाल जी, विजयकांत यादव जी, क्या होगा सही राइट आंसर? मैं कहानी संग्रह आपके लिए बताना है जो कृष्ण अग्निहोत्री जी का माना जाता है, तीन के घेरे, अपने अपने पिंजरे, या फिर अपने अपने कुरुक्षेत्र, या फिर अपने अपने राम। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 है, और 17 का सही राइट आंसर है कि अपने अपने कुरुक्षेत्र ए वाला, कि अपने अपने कुरुक्षेत्र ए वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर है। एक जो कहानी संग्रह माना जाता है वह कृष्णा अग्निहोत्री जी का माना जाता है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 18वां क्वेश्चन है कि परमानंद श्रीवास्तव ने किस पत्रिका का संपादन किया, बताइए। वह पत्रिका आपके लिए बताना है हंस है, आलोचना है, नांगरी पहचानी है, या फिर निकस है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि जो परमानंद श्रीवास्तव थे इन्होंने आलोचना आलोचना पत्रिका का संपादन किया था, तो विकल्प नंबर आपका बी जो है वह राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी यहां पर सही आंसर लगा दें सभी लोग, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा गया है कि मृदुला गर्ग के किस कहानी संग्रह के दो भाग हैं, वह आपको बताना है, बताइएगा कौन सा वह इनका कहानी संग्रह है, चयन कीजिएगा। शहर के नाम, या फिर समागम, या छत पर दस्तक, या संगति विसंगति। और आरती यादव जी यहां पर सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 में, संगति विसंगति आपका यहां पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही राइट आंसर होगा। संगति विसंगति एक कहानी संग्रह माना जाता है जिसके दो भाग हैं, ये कहानी संग्रह है किनका, मृदुला गर्ग जी का, तो विकल्प आपका यहाँ पर डी जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 20 कि गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान किस उपन्यास के लिए दिया गया था, बताइए। इनका वह उपन्यास आपको बताना है वह अपना चेहरा,
या फिर उतरती हुई धूप, पांच आंगनों वाला घर या फिर धूल पौधों पर। चार विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है मदन जी। क्वेश्चन नंबर 20 में विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है, वह अपना चेहरा। वह अपना चेहरा ये जो है उपन्यास विधा की रचना है, गोविंद मिश्र जी का ये उपन्यास है जिसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। कब? 2013 में इनको लिए ये सम्मान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है, ममता कालिया जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपके लिए बताना है, मथुरा में या फिर लखनऊ में या जयपुर में या फिर काशी में। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 21 पूछा गया है तन्मय जी, और क्या होगा सही राइट आंसर? ममता कालिया जी का बताना, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो ए है वह सही राइट आंसर है, मथुरा होगा सही राइट आंसर। विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, मथुरा में इनका जन्म हुआ था ममता कालिया जी का, बिल्कुल सही राइट आंसर है। और इनकी एक रचना है एक पत्नी के नोट्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लीलाधर जगुड़ी किस काव्यधारा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 22 में आपके लिए बताना है, बताइए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या फिर छायावाद, बताइए। चार विकल्प दिए गए हैं आपके यहाँ पर, सभी लोग चयन करेंगे। लीलाधर जगुड़ी किस काव्यधारा के कवि हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि ये तो माने जाते हैं नई कविता के कवि। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है, नई कविता के कवि माने जाते हैं कौन? लीलाधर जगुड़ी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नरेंद्र कोहली का प्रथम नाटक आपके लिए बताना है, निर्णय रुका हुआ, गारे की दीवार, शंभुक की हत्या या फिर अगस्त्य कथा, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, नरेंद्र कोहली जी का प्रथम नाटक आपके लिए बताना है, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 23 है में विकल्प सी है वह सही राइट आंसर है, शंभुक की हत्या। ये नाटक माना जाता है, प्रथम नाटक माना जाता है किनका? नरेंद्र कोहली जी का। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शिव प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की कितनी यात्रा संस्मरण प्रकाशित हो चुकी है, बताइए। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। तो आप सभी का सही राइट आंसर है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के कितने संस्मरण यात्रा संस्मरण प्रकाशित हो चुके हैं, 24वां क्वेश्चन है। और विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है यहाँ पर, यानी कि तीन ग्रंथ इनके जो हैं यात्रा संस्मरण प्रकाशित हो चुके हैं, तो वह विकल्प आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शकुंतला की अंगूठी ये नाटक माना जाता है, इसका प्रकाशन वर्ष आपके लिए 25 में बताना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, बताइए। 1972 है या फिर 1978 है, 1986 है, 1990 है? शकुंतला की अंगूठी का प्रकाशन सभी लोग बताएंगे क्या माना जाता है, और आप सभी का 25 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि 1990 आपका सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर चार जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा काव्य प्रभा खेतान का है, बताइएगा। प्रभा खेतान क्या होगा राइट आंसर, घास का घराना, सीढ़ियों पर चढ़ते ही, एक और आकाश की खोज या हुस्नो बानो और अन्य कविताएं।
चयन कीजिएगा कौन सा काव्य प्रभा खेतान का नहीं, सॉरी नहीं बताना है आपके लिए, तो बिल्कुल सही नहीं में आपके लिए चयन करना है, बताइए तनु जी मनीषा जी क्या होगा सही राइट आंसर। तो नहीं पूछा है आपसे और आप सभी का सही राइट आंसर है सुनीता जी विकल्प नंबर एक यहां पर सही राइट आंसर होगा, यानी कि घास का घराना आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहां पर सही राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा। आरुषि जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। पग फेरू काव्य की रचयिता आपके लिए बताना है, ये किनका माना जाता है पग फेरू, बताइए पग फेरू एक काव्य माना जाता है ऋतुराज का, कन्हैयालाल सोठिया, चंद्रकांत देवताले या मणि मधुकर। 27 में सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चार विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, प्रैक्टिस करिए मनीष जी सन भी याद हो जाएंगे आपके। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 में पग फेरू, ये जो है आपका डी राइट आंसर होगा मणि मधुकर। मणि मधुकर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। पग फेरू काव्य किन का माना जाता है, मणि मधुकर जी का ये माना जाता है। विकल्प नंबर डी जो है आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 है, महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह सूर्य बाला का है, इनका बताना है कौन सा कहानी संग्रह है। हाँ लवली जी, कात्यायनी संवाद, मानुष गंध, थाली भर चांद या फिर उपर्युक्त सभी। मैं कहानी संग्रह आपके लिए बताना जो सूर्य वाला का है, बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 28 है और 28 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि उपर्युक्त सभी आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल तन्मय जी। तो उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, ऑल यहाँ पर सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है कात्यायनी संवाद, मानुष गंधे, थाली भर चांद, सूर्य बाला जी के कहानी संग्रह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 29वां क्वेश्चन है, चित्रा मुदगल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, बताइएगा। चित्रा मुदगल, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। चार विकल्प आपके दिए गए हैं और चित्रा मुदगल का पूछा है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 में आपका विकल्प नंबर आपका जो दो है वह सही राइट आंसर है, यानी कि चित्रा मुदगल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 में दिया गया था, बिल्कुल सही राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। किसके लिए दिया गया था अगर सभी को पता है, हाँ सरिता जी अगर आपके लिए पता है कि कौन सा वह रचना है चित्रा मुदगल जी की, कौन सा वह उपन्यास है जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आप कमेंट में बताइएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा आपके लिए बताना है कौन सी है, बताइए। 30वां क्वेश्चन है और 30 का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए, 30 में बताना है पूजा जी, मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा। और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो डी है वह आपका सही राइट आंसर है। डी यानी कि आ और ब दोनों सही राइट आंसर है। कस्तूरी कुंडल बस है और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये जो है आपका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया तनु जी पूजा जी बहुत बढ़िया आप लोगों ने चयन किया है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 3203 नाला सोपरा सुपारा जो है इसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था, चित्रा मुदगल जी को व्यास सम्मान नहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिल्कुल सही। और यहाँ पर कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया ये आत्मकथा मैत्रेय पुष्पा जी की मानी जाती है, आ और ब दोनों आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। राजेश जोशी की रचना कपिल का पेड़ की विधा आपके लिए बताना है, इसकी विधा आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। सही राइट आंसर क्या लगा दें राबिता जी, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। और राजेश जोशी जी की रचना है कपिल का पेड़, ये माना जाता है कहानी संग्रह,
कहानी संग्रह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो है सी जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है सी, जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। सात आसमान रचना की विधा आपके लिए बताना है, किस विधा की रचना है बताइए। सात आसमान ये नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या फिर एकांकी है। तो प्रियंका यादव जी सभी लोग चयन करेंगे, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, सात आसमान की विधा बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि ये विधा है क्या, उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है सात आसमान। असगर वजाहत जो है, असगर वजाहत उन्हीं की ये जो है रचना उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है सात आसमान। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वह आपका सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 पूछा गया है कि स्वयं प्रकाश को किस रचना के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्यारे भाई राम सहाय, रंगशाला में एक दोपहर, दूसरा पहलू या फिर संधान। स्वयं प्रकाश को बताना है, स्वयं प्रकाश जी को जो है किस रचना के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है क्या, राइट आंसर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। प्यारे भाई राम सहाय ये जो है आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है 1 उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हाँ बिल्कुल, दुनिया की सबसे हसीन औरत रचना की विधा आपके लिए बताना है, किस विधा की रचना मानी जाती है बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर। दुनिया की सबसे हसीन औरत रचना की विधा बताना है, कहानी है, उपन्यास है या फिर नाटक है, निबंध है, आप बताइए और किसकी रचना है ये भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो देखिए दुनिया की सबसे हसीन औरत ये कहानी विधा की रचना मानी जाती है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है और जो संजीव है, संजीव उन्हीं की रचना मानी जाती है दुनिया की सबसे हसीन औरत, बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर 1 जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 35 कि मंगलेश डबराल का यात्रा संस्मरण बताना है, कौन सा माना जाता है बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मंगलेश डबराल का यात्रा संस्मरण कौन सा माना जाता है, एक बार आयोबा, खंडित यातनाएं, अगनपाखी और यात्राएं। तो आप सभी का यहाँ पर 35 में सही राइट आंसर होगा कि इनका यात्रा संस्मरण खंडित यात्रा मानी जाती है, मंगलेश डबराल जी की यात्रा जो है खंडित हो गई है और ये यात्रा संस्मरण माना जाता है खंडित यात्राएं। विकल्प नंबर आपका बी जो है वह आपका सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36 दिया गया है, नासरा शर्मा ने किस पुस्तक में राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन किया था बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर। पारिजात, क्षितिज पार, कुंजाइन जान या फिर ठेकरे की मंगनी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया 36 और 36 का सभी लोग सही राइट आंसर चयन करेंगे, नासिरा शर्मा और आप सभी का सही राइट आंसर है क्षितिज पार, आप सभी का राइट आंसर होगा। क्षितिज पार पुस्तक नासिरा शर्मा की है जिसमें राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन किया गया है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रोम्या रूला का भारत की रचयिता कौन है बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर। प्रभा खेतान, अलका सरावगी या फिर उदय प्रकाश या मंगलेश डबराल। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 पूछा गया, रोम्या रूला का भारत के रचयिता कौन माने जाते हैं और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा कि विकल्प नंबर
तीन लगा दीजिएगा सही राइट आंसर। रोम्या रोला का भारत में उदय हुआ है, रोम्या रोला का भारत में उदय, तो उदय प्रकाश जी का जो है ये रचना मानी जाती है, उदय प्रकाश जी की रचना मानी जाती है रोम्या रोला का भारत, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर यहाँ पर जो सी है वह आपका सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कविता और समय नामक आलोचना की रचना किसने की है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। राजीव जी, सोचन राम जी बताइए। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, संगीता जी कविता और समय नामक आलोचना है ये, और एक इनकी आलोचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका एक सही राइट आंसर होगा, अरुण शर्मा सॉरी अरुण कमल होगा राइट आंसर, अरुण कमल है आप सभी का सही आंसर। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है, कलिकता बाया बाईपास उपन्यास का प्रकाशित हुआ, बताइए कलिकता बाया बाईपास ये उपन्यास आपके लिए बताना है कब प्रकाशित हुआ, 1999, 1996, 98, 94, ये चार विकल्प दिए गए हैं। कलिकता बाया बाईपास के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, कलिकता बाया बाईपास के लिए 2001 में, और इसका प्रकाशन आपके लिए बताना है इसका प्रकाशन माना जाता है 1998, 1998 आपका विकल्प नंबर जो यहां पर आप लोगों ने चयन किया सी वाई आपका सही राइट आंसर है। कलिकता वाया बाईपास अलका सरावगी जी की, अलका सरावगी जी का ये उपन्यास माना जाता है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में दिया गया था, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 40वां क्वेश्चन है कि गणपति चंद्रगुप्त ने किस इतिहास लेखक की किस विधि के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, विधेयवादी या काल क्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अंश जी और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 40 में। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा राइट आंसर 40 में आप सभी का, विकल्प नंबर जो तीन है वह सही राइट आंसर वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है, सरल क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस विधि के जन्मदाता फ्रेंस के विद्वान तेन माने जाते हैं, वह विधि आपके लिए बताना है विधेयवादी पद्धति है या फिर काल क्रमानुक्रम पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है या वर्णानुक्रम पद्धति है, सभी लोग बताएंगे, लाइक अवश्य करते जाएंगे। रविंद्र जी लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर 41 में विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति राइट आंसर लगा देते हैं। जो विधेयवादी पद्धति है इसके जन्मदाता फ्रांस के विद्वान तेन है जो वही माने जाते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर सभी के लिए पता है, सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा माना जाता है, बताइए सच्चे अर्थों में बताना है, मिस्र बंधु डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, जॉर्ज ग्रेसन या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 आपसे पूछा गया है और 42 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि सच्चे अर्थों में बात करें तो भाई आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और 42 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल होगा सही राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे 43वां क्वेश्चन है, शब्दों की साधन अवस्था में निकली हुई वाणी क्या कहलाती है, ये आपके लिए बताना है, वज्र पद कहलाती है, गुरु पद, चर्या पद या साधना पद, क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 का सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर।
और आप सभी का सही राइट आंसर है 43 में सिद्धों की साधना अवस्था में निकली हुई वाणी क्या कहलाती है, तो आप सभी का सही राइट आंसर ये चर्या पद कहलाती है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है वह सही राइट आंसर होगा, चर्या पद आपका सही राइट आंसर लगा देते हैं। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका राइट आंसर है, सभी लोगों ने सही राइट आंसर बताया। गोरखनाथ के गुरु कौन थे ये आपके लिए बताना है, बताइएगा चौरंगी नाथ थे या फिर, तो बताइए चौरंगी नाथ, चरपट नाथ, जालंधर नाथ या फिर मच्छेंद्र नाथ। तो आप सभी का यहाँ पर 44 में आप सभी का सही राइट आंसर है मच्छेंद्र नाथ, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही राइट आंसर होगा, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर लगा देते हैं। बिल्कुल आपका डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल देख लेते हैं उसको भी अभी क्वेश्चन, तन्मय जी उसको क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। और यहाँ पर किस आलोचक ने स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह कर हिंदी काव्य चित कराया था, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्याय ने, डॉक्टर बच्चन सेन ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। पूर्णिमा जी किस आलोचक ने स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह कर हिंदी काव्यधारा नाम से प्रकाशित कराया था, और 45 में सभी लोग बता रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो दो है वह आपका सही राइट आंसर होगा, राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही सभी लोगों ने जो कि यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। किस जैन संत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, देवसेन, पुष्पदंत, धनपाल या फिर स्वयंभू। 46वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 40 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आरुषि जी। और किस जैन संत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, और 40 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है तन्मय जी। बिल्कुल विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया गया है वह आपका सही राइट आंसर होगा, यानी कि पुष्पदंत यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। पुष्पदंत जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर लगा देते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। बीसलदेव रासो काव्य कितने खंडों में है ये आपके लिए बताना है, बताइएगा दो खंडों में, तीन खंडों में, चार खंडों में या फिर पांच खंडों में। और आप सभी का यहाँ पर 47वां क्वेश्चन पूछा गया है, बीसलदेव रासो काव्य कितने खंडों में है, खंड बताना है रमा शर्मा जी और सुनीता जी। आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया 47, और 47 में आप सभी का सी राइट आंसर आ रहा है कि चार खंडों में है, बीसलदेव रासो काव्य चार खंडों में माना जाता है। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। वेदांत पारिजात ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं, दादू दयाल है या फिर स्वामी हित हरिवंश है, निम्बारिकाचार्य है या फिर रामानंद है। वेदांत पारिजात ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ आपसे पूछ लिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा। ये ग्रंथ माना जाता है किनका, तो क्वेश्चन आपका 48 है और 48 में विकल्प नंबर आप सभी का जो सी है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि निम्बारिकाचार्य। निम्बारिकाचार्य यहाँ पर सही राइट आंसर लगा दें सभी लोग, क्योंकि सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। किस रासो रचनाकार का मूल नाम बलिदय था, बताइएगा वह रासो रचनाकार कौन थे, चंद वरदाई थे, दलपति विजय थे, सारंगधर थे या नल्ल सह थे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49 पूछा गया है और 49 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, चंद वरदाई राइट आंसर लगा दें सभी लोग। चंद वरदाई ये रासो रचनाकार माने जाते हैं, इनका मूल नाम बलिदय था। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 की बात करें कि नांगरी पहचानी सभा से परमाल रासो को किसने प्रकाशित करवाया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चार्ल्स इलियट ने, जॉर्ज ग्रेसन ने, आचार्य शुक्ल ने, बताइए। नांगरी पहचानी सभा से परमाल रासो को किसने प्रकाशित करवाया था, परमाल रासो जिसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है, जगनक जी का ये रासो ग्रंथ माना जाता है और आप सभी का सही राइट आंसर है।
चार्ल्स इलियट यानी कि विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। चार्ल्स इलियट ने परमाणु राशों को नागरिक पहचान सभा से प्रकाशित करवाया था। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। और यहाँ पर सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा माना जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किए थे। इस प्रकार के जो है आज की क्लास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नए नए क्वेश्चन देखने को मिले यहाँ पर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है, कब? सुबह 9 बजे और एक रात्रि में 10 बजे भी क्लास होती है। एक शाम को 4 बजे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास होती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, और लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं। आस्था जी, रमा जी, लवली जी, सरिता जी, बाबा जी, सुनीता जी और राजीव जी, मुस्कान जी, छवि शंकर जी, विजयकांत जी, आस्था जी, तन्मय जी, नीता जी, पूजा देवी जी, सरिता सरोज जी और राबिता मौर्य जी, अंश जी, मनीषा जी, संगीता जी और मुनीश जी, प्रीति पुरोहित जी, रमा शर्मा जी, कल्पना जी और प्रीतिपाल जी, रीमा कुमारी जी और तन्मय शर्मा जी, राजीव मौर्य जी, प्रीति पुरोहित जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अंश जी और तनु जी, प्रियंका यादव जी, मिथिलेश श्रीवास्तव जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। रोज अपनी जो है एक क्लास होती है। पूजा गौर जी, मुस्कान जी, सभी लोग इसी तरह से जो है जुड़िएगा। मनीषा जी, बिल्कुल, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सभी लोग कर लेंगे। ममता मेहता जी और जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, सुनीता जी, सरिता जी, तन्मय जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी को जय हिंद।